बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फर्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट ऑर्निथोलॉजी, द इंट्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स। व्हाट इज़ द बर्ड्स? बर्ड्स बिलोंग टू द क्लास एव्स ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इन द क्लास एव्स है और जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा है। बर्ड्स आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ फीदर्ड बाईपेड। बाईपेड होते हैं, इनकी दो टांगे होती हैं और फीदर्ड होते हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बर्ड इज़ द पोजेशन ऑफ फीदर्स। जो वो वाला फीचर जो इसे बाकी जानवरों से मुख्तलिफ करता है, वर्टिब्रेट से अलहदा करता है, वो है इनके पास फीदर्स होते हैं। दे आर फ्लाइंग वर्टिब्रेट हैविंग विंग्स। वर्टिब्रेट्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं और उनके पास विंग्स होते हैं। वर्टिब्रेट होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं और विंग्स होते हैं। डेफिनेशन, बर्ड्स डिफाइन एज अ ओवीपैरस वार्म ब्लडेड एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स। ओवीपैरस होते हैं, अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ एग्स। वार्म ब्लडेड होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। एमनियोटिक होते हैं, इनके पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि मेम्ब्रेन सैक्स में मौजूद होता है, जो कि एम्ब्रियो को न्यूरिश करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्टिब्रेट्स विच हैव देयर एंटेरियर एक्सट्रीमिटीज फोर लिम्ब्स ट्रांसफॉर्म इनटू विंग्स। जो कि ये परिंदे उड़ते हैं इसलिए उनके जो फोर लिम्ब होते हैं, अगले जो लिम्ब्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाते हैं इनटू विंग्स। मेटाकार्पस होते हैं, नो मोर देन फोर टोज, विच इज फर्स्ट इज द हेलिक्स। जो इनका फर्स्ट रो होता है उसको हेलिक्स कहते हैं। हैबिटाट्स ऑफ बर्ड्स, द एबिलिटी ऑफ टू फ्लाई इनेबल्स द बर्ड्स फ्रॉम वन हैबिटाट टू अनदर हैबिटाट। जो उड़ने की सलाहियत होती है वो परिंदों को इस काबिल बनाती है कि वो एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जा सकते हैं। दे अकर एवरीवेयर इन द फील्ड, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स एंड ETC। ये हर जगह पाए जाते हैं, फसलों में भी, सहराओं में भी, जंगलों में भी, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पहाड़ों ETC में। डिस्पाइट देयर अबिलिटी टू फ्लाइट, सम बर्ड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशल रीजन ऑक्यूपाई अ डेफिनेट जियोग्राफिकल रीजन। इनकी फ्लाइट की अबिलिटी के अलावा कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो एक ही रीजन के लिए रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो वहाँ से कहीं और नहीं जाते, उनका अपना ही जियोग्राफिकल रीजन होता है, वो अपने जियोग्राफिकल रीजन को छोड़कर और कहीं नहीं जाते, वो उसी जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सम बर्ड्स लाइव इन केव्स लाइक बैट्स। जो कुछ परिंदे होते हैं जैसा कि चमगादड़ है, वो गारों में मौजूद होती है, केव्स में पाई जाती है। जो ओशन डवेलिंग फार्म्स होते हैं जो कि समंदरों में पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट टू डेप्थ ऑफ 30 मीटर आर इवन मोर। वो 30 मीटर की गहराई या उससे भी ज़्यादा गहराई में पाई जाती हैं। मैनी बर्ड स्पीशीज हैव अडाप्टेड टू पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। द बर्ड्स ऑफ आर्कटिक एंड ट्रॉपिक रीजन डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम देम। जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो के अडाप्ट कर देते हैं कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन को, माहौल की जो भी क्लाइमेट की जो भी कंडीशंस होती है, हालात होती है, उसको वो अडाप्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कहीं और जाके रह नहीं सकते क्योंकि वो जो क्लाइमेट होता है वो उनके लिए चेंज होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ही क्लाइमेटिक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अपने आप को अडाप्ट किया होता है ट्रेनिंग। उसके बाद आ जाता है जनरल यूनिफॉर्मिटी या फिर शेप ऑफ बर्ड्स। There are great diversity among different kinds of birds, but they exhibit basic uniformity. उनके अंदर diversity मतलब उनके birds की जो मुख्तलिफ kinds होती हैं उनके अंदर changes तो होती हैं, लेकिन उनकी जो uniformity है ना वो एक ही होती है, basic होती है। The general body shape of birds is spindle-like. जो उनकी body shape होती है वो ज़्यादातर birds की spindle-like ही होती है। This general structure uniformity of birds is because of flight. ये जो स्ट्रक्चर होता है ये उनका फ्लाइट की वजह से होता है, उनकी उड़ने की सलाहियत की वजह से ये स्ट्रक्चर होता है स्पिंडल लाइक। उनकी बॉडी स्पिंडल लाइक उनके उड़ने की वजह से होती है, वो शेप उसकी उड़ने की सलाहियत की वजह से होती है। दे शो परफेक्ट अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट। वो अडाप्टेशन शो करते हैं फ्लाइट के लिए,
एंड देयर होल ऑर्गेनाइजेशन इज मॉडिफाइड इन कोरिलेशन विद देयर एरियल मोड ऑफ लाइफ। जो भी उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके ऑर्गन्स की, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं या उनकी जो बॉडी होती है वो टोटली ही मॉडिफाई होती है, किस लिए? एरियल मोड ऑफ लाइफ, हवाई जिंदगी के लिए। मतलब वो परिंदे उड़ते हैं, इसी वजह से जो उनकी बॉडी होती है वो उसी लिहाज से मॉडिफाई होती है, उड़ने की वजह से ही। जो फ्लाइट होती है डिमांड्स दैट, जो फ्लाइट होती है उसकी कुछ डिमांड्स होती है कि वो, मतलब उनका जैसे कि दे शुड हैव लाइट बट स्ट्रॉन्ग स्केलेटन। जो उनका स्केलेटन होता है, जो उनकी बॉडी होती है, बॉडी का जो स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, लेकिन लाइट हो, उसका वजन ना हो, वजन कम हो लेकिन मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग बट लाइट। मसल्स आर पावरफुल, जो उनके मसल्स होते हैं वो पावरफुल होने चाहिए। फीचर्स आर लाइट, कंजर्व हीट एंड प्रोवाइड लिफ्ट एंड प्रोपल्शन। जो उनके फीचर्स होते हैं वो लाइट होने चाहिए, उनका ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, कंजर्व हीट, हीट को कंजर्व कर सकें और लिफ्ट और प्रोपल्शन प्रोवाइड करें। आईज ऑफ बर्ड्स आर शार्पेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। जो बर्ड्स की आई होती है वो बाकी तमाम एनिमल्स से ज़्यादा तेज़ होती है, इनके देखने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का साइज, उनकी हाइट क्या होती है? द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज फ्लाइट लेस अमेरिकन ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ा लिविंग बर्ड है वो फ्लाइट लेस है, वो फ्लाइट नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, वो है अमेरिकन ऑस्ट्रिच विच इज 2.5 meters इन हाइट। 2.5, 2.5 meters उसकी हाइट है एंड वेट इज अबाउ इज मोर देन 300 pounds। जो उसकी हाइट है वो 2.5 meters है लेकिन जो उसका वेट है वो 300 pounds है, 300 pounds है। अमंग फ्लाइंग बर्ड्स कॉन्डोर ऑफ अमेरिका विद द विंग स्प्रेड अप टू 3 meters स्टैंड टू बी फर्स्ट। द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ मेडागास्कर वर मॉस एंड एलिफेंट बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। मेडागास्कर के जो दो परिंदे हैं एलिफेंट बर्ड्स और मॉस जो हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, नापैद हो गए हैं, अब वो मौजूद नहीं है, वो लार्जेस्ट स्पीशीज में कंसीडर किए जाते हैं। द मॉस वेव इज 520 pounds। जो मॉस था उसकी, उसका जो वेट था वो 520 pounds था। अर्ली ट्रेवलर्स डिस्क्राइब आर लार्ज एग्स ऑफ एलिफेंट बर्ड्स यूज एज अ फ्लास्क बाय द नेटिव्स। नेटिव्स उसे एज अ फ्लास्क यूज करते थे एलिफेंट बर्ड्स को, एज अ फ्लास्क बाय द नेटिव्स। वन कैन होल्ड 2 gallons ऑफ लिक्विड इन इट। जो एलिफेंट एग बर्ड्स का जो एग मिला था उन्हें, लार्ज एग्स, वो यूज़ किया जाता था एज अ फ्लास्क। जो वहाँ के रहने वाले थे वो उसको एज अ फ्लास्क यूज़ करते थे और उसके अंदर जो लिक्विड था वो 2 gallons का निकला था। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज द हेलिनाज ह्यूमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। इट इज़ ओनली 4 centimeters लॉन्ग फ्राम द बेस ऑफ बिल टू द बेस ऑफ टेल। जो सबसे स्मॉल लेस्ट बर्ड है, जो सबसे छोटा परिंदा है वो है हेलिनाज ह्यूमिंग बर्ड, जिसकी 4 centimeters टोटल, वो 4 centimeters लॉन्ग है, लंबा है, उसकी चूंच से लेकर उसकी टेल तक उसकी लंबाई सिर्फ 4 centimeters है।